गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फिर क्लास वन के बच्चों के लिए मैथ, लेकिन साइंस, सॉरी क्या है, साइंस। तो साइंस में हम लोगों ने पहला लेसन, जो पीछे वाला लेसन था, वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट जो लेसन है मेरा, वो है फूड वी ईट। क्या है? फूड वी ईट, यानी कि भोजन जो हम लोग खाते हैं। तो आज हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो भोजन है, जो खाना है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड वी ईट, भोजन जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। वी ऑल नीड फूड टू लिव, वी ऑल नीड फूड टू लिव। सभी को भोजन की जरूरत होती है, किस लिए? लिव, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अगर हम खाएंगे नहीं तो जिंदा कहां से रहेंगे, ठीक है। तो सबको भोजन किस लिए जरूरत होती है? जिंदा रहने के लिए, ठीक है। वी ऑल नीड फूड टू लिव, ठीक है। तो जिंदा हम कैसे रहेंगे? ये जब भोजन खाएंगे, भोजन कौन सा है? ये यानी कि जो भी पौष्टिक चीज है उसमें हो, जैसे ईट हेल्प अस टू ग्रो, ईट हेल्प अस टू ग्रो, ये जिंदा रहने में, बढ़ने में हमारी मदद करता है। कौन? फूड, भोजन। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम ना कुछ काम कर पाएंगे और ना ही बढ़ पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे जो है फूड, जो है भोजन है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भोजन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी ऑल नीड फूड टू लिव, इट हेल्प अस टू ग्रो, यह बढ़ने में भी मदद करता है। इट गिव अस एनर्जी, यह ताकत देता है। उन्हें एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा, ताकत, ठीक है। इट गिव्स अस एनर्जी, किस लिए एनर्जी देता है जी? तो वर्क एंड प्ले, यानी कि काम करने के लिए और खेलने के लिए। जो फूड है वो गिव्स अस एनर्जी, एनर्जी भी देता है। किस लिए देता है? काम करने के लिए और खेलने के लिए, वर्क एंड प्ले। अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना काम कर पाएंगे, ना खेल पाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए भोजन जो है हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वी ऑल नीड फूड टू लिव, एक बार फिर से बोलो, वी ऑल नीड फूड टू लिव, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो, इट हेल्प अस टू ग्रो, ठीक है, यह बढ़ने में भी मदद करता है। इट गिव अस एनर्जी, यह एनर्जी देता है, ठीक है ना। कौन? फूड। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, एलोंग विथ हेल्दी फूड वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर टू, एलोंग विथ हेल्दी फूड, यानी कि भोजन के साथ साथ हमको प्रचुर मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। भोजन के साथ साथ क्या करना चाहिए? प्रचुर मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। पानी किस लिए पीते हैं हम लोग? डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। तो भोजन के साथ साथ हम लोग को क्या करना चाहिए? पानी भी पीना चाहिए। फिर से एक बार इसको दोबारा सुनो और उसके बाद मेरे साथ भी बोलो, वी ऑल नीड फूड टू लिव, इट हेल्प्स अस टू ग्रो, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, एलोंग विथ हेल्दी फूड वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर टू, ठीक है। वी ऑल नीड फूड टू लिव, इट हेल्प अस टू ग्रो, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, एलोंग विथ हेल्दी फूड वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर टू, ठीक है। तो भोजन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमको क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ठीक है। इसको देख लो,
और इससे रिलेटेड हम कुछ वर्ड दे रहे हैं, पहले इसको लिख लो, ठीक है। एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी। हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्दी। ग्रो, जी आर ओ डब्लू, ग्रो। फूड, एफ डब्लू डी फूड। लॉट, एल ओ टी लॉट, डी आर आई एन के ड्रिंक, ठीक है। पहला है एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी। ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी। हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्दी। एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्दी। ग्रो, जी आर ओ डब्लू ग्रो, जी आर ओ डब्लू ग्रो। फूड, एफ डबल ओ डी फूड। L O T lot, L O T lot, D R I N K drink, इसको तुम लोग चार चार बार लिखोगे, ठीक है, चार चार बार लिखोगे और बार बार याद करोगे, बार बार याद। यानी कि वीडियो अगर छोटा है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ लिए और छोड़ दिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसको बार बार पढ़ना है। जब पढ़ोगे ज़्यादा समय तक तुमको खुद ब खुद याद भी हो जाएगा और पढ़ने भी आएगा। एनर्जी, E N E R G Y, एनर्जी। H E A L T H Y, हेल्दी। H E A L T H Y, हेल्दी। G R O W, ग्रो। F W O D, फूड। L O T, lot। D R I N K, drink। D R I N K, drink, ठीक है। एक चीज़ और देखो, यानी कि पूरे दिन यानी कि में कितने बार तुम खाते हो, ठीक है, कितने बार खाते हो तुम लोग, तीन बार खाते हो, जनरली सब कोई तीन बार खाता है, ठीक है। मील्स इन ए डे, मील्स इन ए डे, मील्स इन ए डे, मील्स इन ए डे, इन डे वी टेक थ्री मेन मील्स, मील्स ही ठीक है। यहां देखो, मील्स इन ए डे, इन ए डे वी टेक थ्री मेन मील्स, ठीक है। थ्री मेन मील्स का मतलब होता है कि जो जो भोजन का जो समय है हमारा दिन में वो तीन बार होता है, ठीक है। तीन बार कौन कौन सा, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, कौन कौन सा होता है तीन, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको याद भी कर लेना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लंच
lunch or dinner. डिनर, ठीक है, ये तीन हैं जो कि पूरे दिन में हम लोग करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ब्रेकफास्ट हम लोग कब करते हैं? मॉर्निंग में. लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में. और डिनर कब करते हैं? नाइट में. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे आपको, ठीक है. तो मील्स इन ए डे वी टेक 3 मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, इसको भी आप लोग लिख के और याद करेंगे. ब्रेक, देखो एकदम आसानी से पढ़ लो, BREAK, ब्रेक, BREAK, ब्रेक, यानी कि हो गया ब्रेक और ये हो गया फास्ट, ब्रेकफास्ट. क्या हो गया? ब्रेकफास्ट. लंच, LUN, लंच, इसको तो ये करने का जरूरत नहीं है. लंच. डिनर, DINNER, डिनर, ठीक है. तो कितने टाइम हम लोग भोजन करते हैं? 3 टाइम. कितने टाइम भोजन करते हैं? 3 टाइम. कौन कौन? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये है तीनों. इन ए डे वी टेक 3 मेन मील्स, ठीक है. जो मील्स है वो हम लोग कब कब करते हैं, वो दिया है. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं? मॉर्निंग में. लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में. और डिनर कब करते हैं? रात में, ठीक है. इसको लिख लेना और इसको याद कर लेना. अभी ब्रेकफास्ट का लिखो, ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ऑफ द डे. वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ठीक है. तो जो हम लोग 3 लिखे थे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है. तो पहले हम ब्रेकफास्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, यानी कि दिन का जो पहला जो मील है वो क्या का है? ब्रेकफास्ट. दिन का जो पहला मील, यानी कि जो दिन में हम सबसे पहले खाते हैं, वो क्या कहलाता है? ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट कब करते हैं हम लोग, यानी कि दिन का शुरुआत कब से होता है? तो मॉर्निंग से होता है. दिन का शुरुआत कब से होता है? मॉर्निंग से होता है. तो इसलिए वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है. ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, यानी कि दिन का जो पहला भोजन है वो क्या है? ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट तो जब पहला है, तो पहला सबसे पहले डे का पहला क्या आएगा? तो मॉर्निंग आएगा, ठीक है. तो वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ओके, इसको लिख के और याद कर लेना. आज बस इतना ही.